वेलकम, हेलो और नमस्कार। आज आपके लिए बनाते हैं पानी पूरी की क्रिस्पी पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको लेना है 2 कप रवा, जो कि मीडियम साइज के दानेदार हो, और फिर इसमें ऐड करना है 1/2 कप मैदा, फिर इसमें ऐड करना है 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, और फिर ये ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स कर दें। पानी पूरी सभी की फेवरेट होती है, स्पेशली छोटे बच्चों की। तो अब आप क्रिस्पी पूरी घर पर भी बना सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका टाइट डो बना देते हैं। क्या आपको पता है, इसे गोलगप्पा और पुचका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये स्वादिष्ट पूरी आप घर पर इजीली बना सकते हैं। वैसे तो आप पूरी मार्केट से भी ला सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे घर पर ही ट्राई करें। बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी पूरी बनती है। ये देखिए, अब ये डो रेडी है। तो अब इसमें ऐड करते हैं ऑयल और इसे फिर से 2 मिनट अच्छे से मसल दें। अब ऑयल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, और फिर इस डो को 20 मिनट के लिए गीले मलमल के कपड़े से ढककर रख दें। ये देखिए, अब ये डो रेडी है। अब इसे हल्का सा मल दें और इसका रोल बना के इस तरह से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसे 4-5 पीस में कट करना है, इससे ज़्यादा कट नहीं करना है। देखिए इस टाइप से। और फिर इसका एक पेड़ा लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दें, और फिर इसकी बड़ी सी रोटी बेल लें। ये रोटी आपको पतली ही बेलनी है, मोटी ना हो। और पूरी फ्राई करने के लिए ऑयल गरम होने के लिए रख दें। अब ये पूरी तैयार है। तो अब इसकी छोटी छोटी सी पूरी कट करनी है, तो इसे आप कुकी कटर से या छोटे से किसी कैप से कट कर सकते हैं। मैंने इस टाइप का कैप लिया है। इसमें 20-25 पूरी आपकी एक बार में अच्छे से बन जाती है, और एक ही साइज की। अब ये सारी कटिंग हो गई है, तो अब आप साइड की कटिंग निकाल सकते हैं। ये इजी टेस्टी पूरी की रेसिपी आप जरूर ट्राई करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे जरूर शेयर करिए। और इजी टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अब ये पूरी फ्राई कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपको ऑयल रखना है। ये देखिए, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब पहले आप फ्लेम एकदम स्लो कर दें और फिर ये पूरी धीरे धीरे करके इसमें डाल दें। अब इसे मीडियम फ्लेम पे पलट कर इस तरह से फ्राई करते रहिए। लाइट गोल्डन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करें और फिर इसे निकाल लें, और ठंडा होने पर इसे अच्छे से बॉक्स में पैक कर दें, जिससे कि इसमें हवा ना जाए और ये नरम ना हो, और ये क्रिस्पी पूरी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, पूरी तैयार हो गई है। तो अब आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी पूरियां बना लें और घर पर बनी हुई फ्रेश पूरी का मजा लें। है ना बहुत ही इजी रेसिपी। तो अब आप जब चाहे इसे बना सकते हैं। तो अब आप करें इंतजार, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।